के खिलाफ सुरक्षा बल का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 25-25 लाख के इनामी कमांडर शंकर राव, ललिता माड़वी और रामदेव सहित 29 नक्सली ढेर कर दिए हैं। गोलाबारी में 3 सुरक्षा बल के जवान भी घायल हुए हैं। वहीं नक्सलियों से AK-7 AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। तो आपको छत्तीसगढ़ के कांकेर की ये 3 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। पहले में देखिए, नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, 25-25 लाख के 3 नक्सलियों को ढेर किया गया। इसमें 3 आपको बता दें कि बड़े मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए और बड़े हथियार बरामद किए, AK-47 जैसे बड़े हथियार बरामद किए गए हैं। हालांकि जवान भी हमारे घायल हुए हैं, 29 नक्सली ढेर किए गए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, तो एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और अब तक की सबसे बड़ा ऑपरेशन ये माना जा रहा है जवान और नक्सलियों के मुठभेड़ में। और तीसरी तस्वीर जिसमें इस मुठभेड़ में 3 हमारे जवान भी घायल हो गए, हालांकि उनकी इलाज जारी है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है फिलहाल। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट, छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सली ढेर, AK-47 समेत कई खतरनाक हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बल ने कई बड़े नक्सली कमांडर समेत 29 नक्सलियों को मार गिराया। उनमें शंकर राव, ललिता मांडवी और रामदेव नाम के खूंखार नक्सली कमांडर के भी ढेर होने की खबर है। जिनमें से शंकर राव और ललिता पर 25-25 लाख का इनाम था। दूसरी तरफ रामदेव नक्सलियों की मिलिट्री कमीशन का टेक्निकल हेड था। इसके अलावा उसे किसी भी तरह के खतरनाक हथियार बनाने में महारत हासिल थी। वहीं मुठभेड़ वाली जगह से सुरक्षा बल ने 7 AK-47 राइफल समेत कई खतरनाक अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए। लगातार आसूचना प्राप्त हो रही थी कि लोकसभा से पहले TCOC के दौरान नक्सलियों द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही है और इनकी बहुत बड़े लीडर्स भी इकट्ठा हो रहे हैं माड़ में और इनकी एक्शन टीम्स भी सक्रिय हैं। और लोकसभा चुनाव जो 19 को नारायणपुर में और 26 को कांकेर में होना है, इसके पहले एक बड़ी घटना करने की प्लानिंग चल रही है, इस तरह की आसूचना प्राप्त हुई, जिस पर कल शाम को ऑपरेशन प्लान किया गया है और आज दोपहर में फायरिंग हुआ है और लगभग 4 घंटे तक ये फायरिंग चली है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ कांकेर के अबुझमाड़ के जंगल में हुई। अबुझमाड़ जंगल को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। सुरक्षा बल को जंगल में करीब 60 नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया, फिर मुठभेड़ के दौरान कई नक्सलियों को मार गिराया।